नमस्कार, पूनम राठी डॉट कॉम में आपका स्वागत है। टेस्टी एंड बेस्टी रेसिपीज के आज के एपिसोड में हम बनाएंगे मसाला छाछ। छाछ हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। छाछ पाचन शक्ति भी बढ़ाती है। तो चलिए देखते हैं मसाला छाछ बनाने की सिंपल रेसिपी। मसाला छाछ बनाने के लिए हमें चाहिए पुदीना 1 कप, हरा धनिया 1/2 कप, 2 हरी मिर्च, 1 कप दही, 1 टेबलस्पून चीनी ऑप्शनल है, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून सादा नमक, 1 गिलास पानी। सबसे पहले हम छाछ का मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए पुदीने के पत्ते और हरा धनिया जो 2 के लिया है मैंने, जीरा, सादा नमक, काला नमक, हरी मिर्च और थोड़ा सा पानी ऐड करके मिक्सर में ग्राइंड करके लेंगे। अदरक से छाछ की टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है, इसलिए हम थोड़ा से अदरक ऐड करके थोड़ा और ग्राइंड करके लेंगे। छाछ मसाला ग्राइंड करके रेडी हो गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम मसाला छाछ बनाएंगे। मैंने मिक्सर के जार में 1 कप दही, 1 टीस्पून छाछ मसाला और 1 टीस्पून चीनी डालकर 2 कप पानी ऐड करके हम इसको मिक्सर में अच्छी तरह ग्राइंड करके लेंगे। यह हो गई हमारी मसाला छाछ तैयार। अपने स्वाद अनुसार नमक और छाछ मसाला ऐड कर सकते हैं। मसाला छाछ सर्व करते वक्त ऊपर से भुना हुआ जीरा पाउडर और पुदीने के पत्ते इस्तेमाल करके ठंडी छाछ सर्व कर सकते हैं। एज यूजुअल सम स्पेशल टिप्स फ्रॉम माय साइड। पुदीने के पत्ते, हरा धनिया फ्रेश लेना है। छाछ का मसाला फ्रिज में 7 से 8 दिन रखकर जब चाहे तब ठंडी छाछ पीने का मजा ले सकते हैं। मैं आशा करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप ट्राई कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेस्टी एंड बेस्टी रेसिपी चैनल। थैंक यू।